आज सुबह 10 बजे पीरविदाई पुलिस ने एक बहुत बड़ा रेड मेरे वालिद मरहूम के घर में छांगा मांगा में किया, जिन्हें इंतकाल किए हुए अभी 30 साल गुजर चुके हैं, और सारी तोड़ फोड़ की और मुलाजमों के साथ बदसलूकी की। और फिर बदनाम ज़माना SHO वेस्टेज, जो जहूर, जिसका नाम है जाहिद जहूर, जिसकी करप्शन की दास्तानें और जिसके प्लॉट्स और जिसका खुर्रा जो है 9 मई के इस दहशतगर्दी के और इस खौफनाक वाक़े में भी निकलेगा, जिसने इस मुल्क को इस बहरान से दोचार किया और जिसकी सबसे पहले मैंने 10 मई को मजम्मत की, उसने ना सिर्फ मेरे भाई के घर गुजरांवाला कैनाल व्यू को तोड़ा, लूटा और चीज़ें उठा के ले गए, फिर वो उनकी दुकान पे भी गए। मैंने अयूब खान का वक्त किला देखा है, मैंने याया खान का सबसे पहले कोर्ट मार्शल देखा है, मैंने बेनज़ीर की 7 साल और याया खान की 1 साल कोर्ट मार्शल में भी हमें वक्त पे एहतराम और खाना मिलता था, और फिर मैंने बेनज़ीर की 7 साल कैद देखी है, ख़त्म नबूवत के 1-1 साल कैद देखी है। लेकिन जो और सलूक इस वक्त रफा रखा जा रहा है, जो जुल्म, जो दहशतगर्दी, जो बर्बरियत, जो इखलाक से घिरी हुई हरकत, ऐसे जैद जहूर टाइप के SHO जिनके सिर्फ रावलपिंडी के गिरदी प्लाट देखे जाए तो आप हैरान रह जाएंगे कि असल नैब के केस ये हैं, असल नैब के केसेस ये हैं। और जिनकी वजह से मैं सारी जिंदगी ये कहता रहा, सारी जिंदगी मैंने सियासत पाकिस्तान के अजीम वफाज अदारों के साथ की है, ये मुल्क में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, लोगों के बच्चों को उठा रहे हैं, औरतों को उठा रहे हैं। खुदा के लिए मैं अदारों से दरख्वास्त करूंगा कि जो मुलजम हैं उनको तो उठाया जाए, उनको तो सजा दी जाए, लेकिन इस मुल्क में खौफ की फजा ना कायम की जाए। और अगर मेरी ज़रूरत है मुझे फ़ोन करें, अगर मुझे किसी मंशियात में भी डालना है तो बता दें कि जनाब अली आपकी ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो मुल्क से बाहर था। मैं पाकिस्तान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, गरीब आवाम के नाम पे जो पिस गई है, मर गई है, जिनके घरों में सफ़े मातम है, उनके नाम पर बराए रास्त अदारों उनके सरबराह से अपील करना चाहता हूँ कि ये जुल्म की दास्तान बंद की जाए। और ये नफ़रतें पैदा कर रहे हैं, ये दूरियां पैदा कर रहे हैं, मोहब्बतें पैदा करने की ज़रूरत है सबको, एक होने की और नेक होने की, सबको एक और नेक होकर इस मुल्क के मसाइल हल करने की ज़रूरत है। लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो जुल्म की तारीख लिखी जा रही है, इसे ख़त्म होना चाहिए। और गरीब का बच्चा, गरीब की बेटी, गरीब की बहू, ये सब लोग महफूज होने चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मुल्क में काला काला रसूल अल्लाह के लिए, पाकिस्तान के लिए और इस मुल्क के मसाइल के हल करने के लिए सारी कौम एक है। वो इस मुल्क में इंतशार और खलफशार नहीं चाहती, इंतशार और खलफशार के मुखालिफ है। वो इस मुल्क में तरक्की चाहती है और 2 वक्त की रोटी चाहती है, इस काबिल चाहती है कि बिजली का बिल दे सके, बच्चों की फ़ीस दे सके, घर का किराया दे सके। मसाइल अब सियासी नहीं रहे, इक्तसादी और सियासी हो गए, संगीन तरीन हो गए हैं। और अदारों को बराए मेहरबानी सोचना चाहिए, बराए मेहरबानी सोचना चाहिए कि इस मुल्क को ठीक करना सबकी जिम्मेदारी है।